हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम सा। आज हम आप लोगों के साथ मोतीचूर के लड्डू की रेसिपी शेयर करने वाले हैं, पर इनको हम बिना बेसन के बनाएंगे। जी हाँ, जो खाने में तो बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसे आप किसी भी फेस्टिवल पे आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक कढ़ाई में 3 से 4 बड़े चम्मच देसी घी डाला है। ये घर का बना हुआ घी है, आप मार्केट वाला भी उसमें ले सकते हैं, और घी की मात्रा भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हमने एक बड़ी कटोरी दलिया लिया है जो घर का बना हुआ है, आप मार्केट वाला भी उसमें ले सकते हैं। दलिया बहुत ही हेल्दी होता है। हमारा घी हल्का गर्म हो चुका है, इसके अंदर आप दलिया डाल देंगे और इसको लो आंच पे हम चलाते हुए हल्का गोल्डन होने तक इसको भून लेंगे। ध्यान रहे कि इसको लो टू मीडियम ही रखना है और इसे लगातार चलाते रहना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को याद करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल बटन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमारे दलिए का हल्का हल्का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। अब हम दूसरी साइड एक पतीले में 3 कटोरी पानी डालेंगे। जिस कटोरी से हमने दलिए का मेजरिंग लिया था, उसी कटोरी से हमने 3 कटोरी पानी गर्म करने के लिए रख दिया है, और साथ ही इसको हम दलिए को भी साथ में चलाते रहेंगे। हल्का हल्का कलर चेंज होना शुरू हो चुका है, पर ध्यान रहे इसे लगातार चलाते रहना है वरना जल जाएगा। हमारा पानी भी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, अब गैस को बंद कर देंगे। अगर आप हमारे चैनल की और भी फेस्टिवल रेसिपी या राजस्थानी रेसिपी देखना चाहते हैं तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक करें, या आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। दलिया मोटा और बारीक दो तरीके का होता है। हमने यहाँ मोटे वाला यूज़ में लिया है, पर आप दोनों मिक्स करके भी यूज़ में ले सकते हैं। हल्का सा बारीक वाला अगर इसके अंदर होगा तो वो अच्छे से लड्डू बांधने में आसानी होगी, बाइंडिंग अच्छी होगी। देखो, हमारा दलिया भी अच्छे से सिक कर तैयार हो चुका है, हल्का गोल्डन हो चुका है। इसी टाइम हम गैस को बंद कर देंगे और कढ़ाई में इसे लगातार चलाते रहेंगे, क्योंकि हमारी कढ़ाई अभी गर्म है। अब इसके अंदर जो हमने 3 कटोरी पानी गर्म किया था वो ऐड कर देंगे। हमने गैस को अभी बंद कर रखा है, सावधानी से इसे डालें। हमने इसके अंदर अभी 2 कटोरी जितना ही डाला है, 1 कटोरी जितना हमने बचा लिया है, ये हम बाद में यूज़ में लेंगे। आप इस दलिए को कुकर के अंदर भी बना सकते हैं। अगर आप इसे कुकर में बना रहे हैं तो लगभग इसके अंदर 4 से 5 सीटी ज़रूर लगाएं। वैसे तो कुकर की साइज़ पे डिपेंड होता है, पर अगर आप छोटे साइज़ के कुकर में बना रहे हैं तो 4 से 5 सीटी ज़रूर लगवाएं। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम 1/4 चम्मच इतना फूड कलर डालेंगे, क्योंकि हमारे मोतीचूर के लड्डू का कलर ऐसा ही होता है, इसलिए अच्छा दिखने के लिए हम इसके अंदर थोड़ा सा फूड कलर डाल रहे हैं। ये एकदम से ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने अभी गैस को एकदम से लो कर रखा है, हम इसे लो फ्लेम पर ही पकाएंगे, अच्छे से पक कर तैयार होगा। और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए अब इसके अंदर हम 1/2 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। वैसे तो एकदम से ऑप्शनल है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम 2 बड़ी चम्मच बीज डालेंगे। आप बीज की जगह काजू बादाम भी डाल सकते हैं, ये एकदम से ऑप्शनल है। वैसे ये डालने से इसका टेस्ट बढ़ जाता है। अब इसे हम मीठा करने के लिए इसके अंदर चीनी डालेंगे। आप चीनी की जगह गुड़ का यूज़ भी कर सकते हैं, अगर आप इसे और ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो। हमने इसके अंदर 3/4 कटोरी जितना ही चीनी डाला है, आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी अच्छी तरह से पिघल जाएगी तब ये अच्छे से लिक्विड हो जाएगा। थोड़ा सा आप चीनी को पानी के अंदर भी पहले डालकर इसे पिघला सकते हैं। चीनी हमारी अच्छे से पिघल चुकी है, हल्का लिक्विड हो चुका है ये। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, जो हमने बचा रखा था उसमें से 1/2 पानी इसके अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा हमने बचा लिया है, अब इसे एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसे हम ढककर पकाएंगे और गैस को एकदम से लो कर देंगे। थोड़ी देर बाद में इसे हम फिर से चेक करेंगे और एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पर अभी हमारा दलिया अच्छे से पककर तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि इसके अंदर दलिया हल्का हल्का हमें सफ़ेद दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका मतलब है ये अभी पका नहीं है। देखो, ये तले के भी नहीं चिपका है, अच्छे से ये सिककर तैयार हो रहा है। हम इसे लो आंच पे पका रहे हैं। अच्छे से मिक्स होने के बाद में इसके अंदर हम बचा हुआ पानी था वो भी ऐड कर देंगे और एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे। अगली रेसिपी आप कौन सी चाहते हैं ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसे मिक्स हो जाने के बाद में इसे हम ढककर फिर से पकाएंगे। थोड़ी देर बाद में इसको हम फिर से चेक कर लेंगे।
देखो इस बार हमारा दलिया अच्छे से बनकर तैयार हो चुका है। इसके अंदर एक भी सफ़ेद दाना नहीं है। आप इसे हाथ की हेल्प से भी चेक कर सकते हैं और एक बार फिर से अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। देखो इस बार भी ये तले में नहीं चिपका है, अच्छे से बनकर तैयार हुआ है और एकदम से खिला खिला और एकदम से एक एक दाना अलग नज़र आ रहा है। हम आपको पास से दिखा देते हैं, देखो कितने अच्छे से बनकर तैयार हुआ है। अब इसे हम हल्का सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम इसके लड्डू बनाएंगे। इससे पहले हम इसके अंदर थोड़ा से काजू डाल देते हैं, आप अपने पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। हमने इसे हल्का सा ठंडा कर लिया है, इसे पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है वरना लड्डू बनाने में मुश्किल होगी, इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। हल्का सा गर्म हो उसी टाइम हम इसके लड्डू बनाएंगे। देखो इसके अंदर घी वैसे तो परफेक्ट है, पर आप इसके अंदर अगर और ऐड करना चाहते हैं तो हल्का सा गर्म करके आप इसके अंदर घी डाल सकते हैं। अगर आपके लड्डू बनाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसे हल्का सा फिर से गर्म कर ले। घबराने की कोई बात नहीं है, ये आसानी से बनकर तैयार हो जाएंगे। देखो हमने एक लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है, इसी तरह हम बाकी के सभी लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। हमारे सभी लड्डू बनके तैयार हो चुके हैं। अब इसको हम ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लेंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर हमने सिल्वर वर्क भी लगा दिया है जिससे ये और अच्छा लगेगा। लो जी हमारे तलिए के लड्डू बनके तैयार है, जो खाने में टेस्टी तो है ही साथ में हेल्दी भी हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को याद करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम सा।